आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 16 का सॉल्यूशन, जो कि हमारे वर्ब यानी क्रिया का सॉल्यूशन है। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 16 का। अगर आपने अभी तक 15 तक का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर नाम का प्लेलिस्ट, जहाँ कि आपको इस पूरे बुक का कम्प्लीटली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 16 की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का इसमें बनाने वाला क्या है। तो देखिए एक्सरसाइज 16 का पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब को घेर दें और उन्हें रेखांकित करें। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मार्कर से उसे कलर कर देंगे, यानी जो वर्ब रहेगा ना उसे अपने मार्कर से कलर कर देंगे। तो देखिए यानी वर्ब को देखिए, ये जो मार्कर है ना हम लोगों का ग्रीन कलर का, इससे हम कलर कर देंगे जो वर्ब होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नंबर फर्स्ट में। तो देखिए पहले हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ब कौन सा होगा। हम लोग जितना भी यूज करते हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, ये सब होता है वर्ब। और फिर जिससे कोई काम हो, यानी जैसे हंसना, बैठना, रोना, पढ़ना, खाना, कूदना, दौड़ना, ये सब भी होगा वर्ब। तो देखिए हम लोग पहले फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोगों का 20 क्वेश्चन है, तो एक एक करके सबका सॉल्यूशन देख लेंगे। आई रीड, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम, तो ये रीड होगा। अब हम लोग चलते हैं नंबर टू। सी रीड्स, यानी वह पढ़ती है, तो इसमें भी कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाई, तो रीड्स। अब हम लोग चलते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में ही इज प्लेइंग, तो देखिए इसमें हम लोगों का दो वर्ब है। एक पहला तो इज, हमारा अभी आपको बताया था ना कि ये सब जो होता है ये वर्ब होता है, और उसके बाद वह खेल रहा है, तो ये प्लेइंग, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का टोटल टू वर्ब है, तो दोनों को कलर आउट कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर फोर्थ। तो नंबर फोर्थ में आई हैव ईटन, तो देखिए इसमें भी दो वर्ब है, मैं खा चुका हूँ, तो यानी पहले तो हैव हो जाएगा और काम कौन सा हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा ईटन। अब हम लोग चलते हैं नंबर फिफ्थ में। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, तो इसमें देखिए हम लोगों का वर्ब क्या हो जाएगा, एम। रेडी कोई वर्ब नहीं होता है, ठीक है। रेडी एक क्या कंडीशन होता है, एक किसी का भी, वो वर्ब नहीं है। नंबर सिक्स, यू कैन गो, तो इसमें देखिए हम लोगों का दो वर्ब है, एक तो कैन हो जाएगा एंड एक गो, यानी आप जा सकते हो, तो जाना क्या है, कोई काम हो रहा है, तो सिक्स। अब हम लोग देखिए यहाँ तक देख लिया ना आप लोगों ने, ऊपर कर देते हैं। देखिए सिक्स के बाद हम लोग चलेंगे सेवन्थ। सेवन्थ में हम लोगों का क्या है, सी विल डू, तो देखिए इसमें भी हम लोगों का टू वर्ब है इस सेंटेंस में, यानी वह करेगी, ठीक है, वह करेगी, तो विंड और डू। अब हम लोग चलेंगे नंबर एट में, सेवन हो गया ना। नंबर एट में आई लिव्ड देयर, मैं वहाँ रहता था, तो इसमें देखिए काम कौन हो रहा है, रहने वाला, यानी लिव्ड, वहाँ तो प्लेस का नाम है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नाइन्थ। तो नाइन्थ नंबर पे है राम वाज प्लेइंग, तो इसमें भी देखिए हम लोगों का इस सेंटेंस में टोटल टू वर्ब है, एक तो वाज हो जाएगा और सेकेंड प्लेइंग, वाज एंड प्लेइंग। अब हम लोग चलेंगे नंबर टेंथ, और टेंथ के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली हाफ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन है, तो टेंथ होने के बाद क्या हो जाएगा, हाफ ख़त्म हो जाएगा। दे वेयर पुअर, यानी देखिए इसमें हम लोगों का वर्ब क्या हो जाएगा, वेयर, पुअर तो एडजेक्टिव है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 11, विल यू गो, नंबर 11 में है विल यू गो, तो इसमें भी देखिए हम लोगों का दो वर्ब है इसमें, फर्स्ट विंड एंड सेकेंड गो, क्या आप जाओगे। देखिए इसमें आपको जो है ना
इंग्लिश के साथ साथ हर सेंटेंस का हम हिंदी भी बता रहे हैं। आप ध्यान दिए होंगे तो आपको आपने देखा होगा कि हर सेंटेंस का पहले हम हिंदी बताते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन बताते हैं। हु आर यू, आप कौन है? तो देखिए इसमें हम लोगों का वर्ब कौन सा है, आर। अब हम लोग चलते हैं नंबर 13। सी हैड ए कार, उसके पास एक गाड़ी है। तो देखिए इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, हैड। इसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 14। सी शुड कम, यानी उसे आना चाहिए। तो इसमें हम लोगों का दो वर्ब है, एक शुड एंड सेकेंड कम। तो देखिए हम लोगों का कितना 14 खत्म हो गया, अब बचा 6। तो नंबर 15 में देख लेते हैं, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोगों का काम कौन सा हो रहा है, प्यार करना। तो नंबर 16 में सी कुड स्विम, सी कुड स्विम, वह तैर सकती थी। तो इसमें हम लोगों का हो जाएगा कुड एंड स्विम। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद नंबर 17। अब हम लोग क्या धीरे धीरे देखिए इस जो एक्सरसाइज का है, अब हम लोग क्या अंतिम की ओर पहुंच रहे हैं, 4 क्वेश्चन और है। आई कैन नॉट रीड, तो देखिए इसमें भी हम लोगों का इस सेंटेंस में 2 वर्ब है, कैन नॉट एंड रीड। अब 17 के बाद हम लोग चलते हैं नंबर 18। यू मस्ट गो, आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मस्ट एंड सेकेंड गो। इसके बाद हम लोग चलेंगे नंबर 19। अब देखिए धीरे धीरे क्या हम लोग अंतिम की तरफ पहुंच चुके हैं, इसके बाद बस 2 क्वेश्चन हैं। दे डिड इट, उन लोगों ने इसे किया, उन लोगों ने इसे किया। तो देखिए यहाँ काम करना क्या है, डिड या वर्ब है। अब नंबर 20 जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम सॉल्यूशन है, आई एम नॉट इल। तो देखिए इसमें हम लोगों का सिंगल वर्ब है एम। तो हम लोगों का देखिए एक्सरसाइज आज 16 जो कि वर्ब का पहला एक्सरसाइज था, यह भी क्या बड़े ही आसान शब्दों में बहुत ही आसानी से समाप्त हो गया आज एक्सरसाइज 16। अगर आपने अभी तक 15 का सॉल्यूशन नहीं देखा है 1 से 15 तक, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर में चले जाइए, वहाँ पर आपको इस पूरे बुक का कम्प्लीटली सॉल्यूशन मिल जाएगा एकदम आसान शब्दों में, जिस तरह से कि इस वीडियो को समझाया गया था इसी तरह से आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 17 के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें अगर आप ग्रामर और इंग्लिश का क्लास करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।